आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अलाउद्दीन खिलजी की बायोग्राफी को देख रहे हैं और बेसिकली ये 10वां क्या 12वां लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं दो लेक्चर और ले चुका हूं, मतलब 10 लेक्चर से पहले मोहम्मद ऑफ गजनवी और मोहम्मद ऑफ गजनी पे। उसके बाद फिर मैंने ये लेक्चर की मार्किंग्स करना शुरू की है, क्योंकि मेडिवियल हिस्ट्री जो है भारत की वो 1206 से स्टार्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं, काफी इनकी चर्चाएं होती हैं। तो पार्ट वन हमने देख लिया था, इनकी पूरी लाइफ देखी थी, इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी देखी थी, और आज हम पार्ट टू के बारे में जानेंगे। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बदल गया जब अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने सत्ता संभाली। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों, ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है, स्लेव डायनेस्टी हम पूरी खत्म कर चुके हैं, इनके सारे रूलर्स की बायोग्राफी हम देख चुके हैं, खिलजी डायनेस्टी की बायोग्राफी देख रहे हैं, मतलब जिन जो इनके सुल्तान आए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी भी आज खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक खिलजी, अरे बाप रे, ये तो ऐसा इंसान था कि इसने तो कबाड़ा करके रख दिया था, बिना कपड़े के पूरे महल में दौड़ता रहता था ये मुबारक खिलजी की। अगली बार जब बात करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितना सनकी रूलर था ये, देखेंगे। फिर तुगलक की बात करेंगे, सईद, लोदीज, मुगल। चलो भैया, फटाक से पांचों डायनेस्टीज के फाउंडर बता दो कमेंट बॉक्स में। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, पूरा एक्सपेंशन नॉर्थ में, इसका पूरा एक्सटेंट काबुल तक पहुंच गए हैं भैया, ये अफगानिस्तान तक, और साउथ में, ये जो आप ग्रीन लाइट ग्रीन में देख रहे हैं, ये साउथ के चार एम्पायर हैं, चार एम्पायर जो प्रोमिनेंट एम्पायर की हमने बात की थी, जिसमें यादवास, वारंगल, पांड्या, ये सब शामिल हैं। तो अगर हम बात करते हैं साउथ की, तो इनका डायरेक्ट रूल नहीं था अलाउद्दीन खिलजी का, ये इनके अंडर थे, इनके वसाल स्टेट थे, कि हम आपके अंडर काम करेंगे और हम आपको हर साल एनुअल पेमेंट देते रहेंगे, ढेर सारे पैसे जाते थे दोस्तों, तंकास जित्तल उस समय करेंसी थी। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं पैसे की, तो ये साउथ के जो रूलर्स थे वो हर साल पैसे भेजते थे, लेकिन होता क्या था कि कुछ टाइम तक भेज रहे हैं फिर बंद कर दिया, फिर कुछ सालों तक भेजा फिर बंद कर दिया। तो जब भी साउथ के रूलर्स ऐसा करते थे, अलाउद्दीन खिलजी दोबारा इन पे आक्रमण करता था, वो दोबारा सरेंडर कर देते थे, फिर वो बंद करते थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी दोबारा आक्रमण करता था, फिर वो दोबारा सरेंडर कर देते थे, बोलते थे कि हम एनुअल पेमेंट अब आपको देंगे। तो ये चीजें होती गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद से साउथ के रूलर्स ने खुद को आजाद घोषित कर लिया, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत सिमट के रह गई। उसके बाद फिर जब मुगल्स आएंगे तब एक्सपेंशन होगा, वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो पार्ट वन में हमने काफी कुछ देख लिया था, उसकी वो चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप देख लीजिएगा। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की जो डेथ है वो बहुत ही मिजरी में हुई, मैं बता दूं, बड़ा ही परेशान था, परेशान इसलिए था, देखो भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। अलाउद्दीन खिलजी के जो कर्म थे वो बड़े ही नेगेटिव में चले गए थे, है ना, ये तो खैर रिलीजियस बात हो गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी उससे बहुत लोग खुश नहीं थे, ठीक है, उससे वीकर सेक्शन खुश था, लेकिन जो बहुत सारे लोग थे, हिंदुओं में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नफरत भर गई थी हिंदुओं हिंदुओं के अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। हालांकि अभी हम आगे देखेंगे कि हिंदुओं से किस तरीके से रिलेशन थे इनके, तो वो सारी चीजें। तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो इसके आखिरी के दिन कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए अच्छे नहीं थे, वैसे इसने सारे जनरल्स को ही बाहर भेज दिया था कि जाके फतेह करके आओ, तो इसके पास कोई नहीं था। दूसरी चीज, लोग इसे दूर जाने लगे थे, क्योंकि इसका नेचर जो था वो बिल्कुल पागल टाइप का हो गया था, जैसे जैसे उम्र इसकी बीती आगे बढ़ी वैसे वैसे इसका दिमाग जो है वो और ज्यादा खराब होता गया, छोटी छोटी बातों पे ये इतना ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देता था कि लोग परेशान हो गए। तो अब इनका फिर अंत आ गया था, और लास्ट में बीमारी भी काफी लग गई थी, ये बेड पे पड़ा रहता था, इसके पास कोई नहीं था। मलिक कफूर जो इसका जनरल था, बहुत ज्यादा उससे प्यार करता था दोस्तों, हर जगह पे ये मलिक कफूर को भेजता था, ऐसा बोला जाता कि मलिक कफूर जो है वो काफी मतलब उसमें मतलब एक यूनिक था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मलिक कफूर की, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के, ऐसा बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो प्यार में थे मलिक कफूर के, ठीक है, बायसेक्सुअल रिलेशन थे, मतलब सेक्सुअल रिलेशन थे नहीं थे वो नहीं पता, लेकिन ये तो चीज है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो आखिरी समय पे उसने मलिक कफूर को बुलाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मलिक कफूर का यहाँ पे अलग दिमाग चल रहा था, वो चाह रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी जल्दी मरे, और मलिक कफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया था बाद में।
जल्दी मरे और हमारी सत्ता आए फिर उसके बाद। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की जो बीवी है, उसके बच्चे हैं, ये सब इसके खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूड खराब हुआ, उसने हर किसी को हरा दिया और दोबारा फिर अपनी पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बेड पे था, मलिक कफूर आया और जान से मार दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो डेथ है वो 1316 में हो गई। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का अंत हुआ और ये 20 साल का जो रूल था, जो इतना एक्सपेंशन था, वो फाइनली खत्म हुआ। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये लेक्चर सुन लीजिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनफैक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अंडर ग्रेजुएट्स के एग्जाम में जो लोग का हिस्ट्री सब्जेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो ये लेक्चर सुन लीजिए, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। दिस लेक्चर इज इनफ। तो अब अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया? देखिए, इससे पहले क्या होता था कि कई बार ऐसा हमने को देखने को मिला है, मैंने जब इतिहास कवर किया है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो उसमें हमने देखा कि कई बार तख्ता पलट हो जाता था, लोग जो हैं वो रिवोल्ट कर देते, रिबेल कर देते थे। ये सिरदर्दी थी एक तरीके से सुल्तान के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था वैसे, अलाउद्दीन खिलजी आपको बता दो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे सोचना शुरू किया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो बार बार कहीं ना कहीं ये कंडीशन आ जाती है, और जो भी राजा का अंत हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें सबकी मिलीभगत है। भैया, जलालुद्दीन खिलजी का भी तो ऐसा ही अंत हुआ था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। तो यहां पे चार चीजें उसने सोची। सबसे पहले तो उसने ये बोला कि इतना खतरनाक तरीके से रूल कर दो कि किसी को रिबेल करने का मौका ही नहीं मिला। खतरनाक तरीके से रूल किया, ज्यादा टैक्स कर दो, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग ज्यादा काम करेंगे, लोग ज्यादा काम करेंगे तो काम में ही बिजी रहेंगे, तो रिवोल्ट करने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा, हर किसी को गरीब कर दो, स्पेशली जो अमीर हैं, जो साजिश अमीर करते हैं ना, अमीरों को गरीब कर दो, अमीरों से सारी ताकत छीन लो और गरीबों में दे दो। तो जब हम अमीरों से सारी ताकत छीनेंगे, क्योंकि पैसा होगा तो पावर है, पैसा छीन लो, अपने आप रिबेलियन जो है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे अमीर उस समय कौन थे? हिंदू। तो हिंदुओं पे कहर बरतेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे ये चार ऑर्डिनेंस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद कर लीजिए। देखिए, चार रीजन अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आया। सबसे पहले तो ये बार बार रिबेलियन जो है राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ, ये जो तख्ता पलट होता है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जासूस नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रेजेंट भारत की बात करें, तो प्रेजेंट इंडिया की बात करें, या मॉडर्न इंडिया की बात करें, तो हम देखते हैं स्पाई सिस्टम नहीं है। ठीक है, हाँ, वो हम नहीं बोल रहे कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो डेफिनेटली स्पाई सिस्टम है, वो पूरा है, अपना एनएसए रॉ आईबी काम कर रही है। लेकिन अगर हम करप्शन की बात करें, तो करप्शन को रोकना है, लोगों को छोड़ दो, सरकारी सरकारी वो लोग होंगे, सरकारी आदमी होंगे, ठीक है, सरकारी मुलाजिम होंगे, कॉमन ड्रेस में होंगे, कहीं पे भी करप्शन होगा तुरंत रिपोर्ट करेंगे, करप्शन धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। जासूसों को छोड़ दो करप्शन को चेक करने के लिए। तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहले यह बात समझ में आई कि भैया ऐसा है कि यहां जासूसों की कमी है। सबसे पहले तो जासूसों को छोड़ दो, और अगर कुछ भी हो रहा है कहीं पे भी, कोई भी दुकान पे, सिर्फ बात तक चल रही है कि सुल्तान ऐसा है, इनका तख्ता पलट हो जाएगा, जासूस तुरंत मुझको बताएं, वहीं पे उसका सर काट देंगे। तो सबसे बड़ी बात अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि पूरे जासूसी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक ऑर्डिनेंस। दूसरा ऑर्डिनेंस ये था कि अमीरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे दोस्तों ऐसा है कि लोगों के पास ढेर सारी जमीन है। फ्यूडलिस्ट सिस्टम जो कि गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ, हालांकि वैसे तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था इसी, देखिए दोस्तों, लैंड जो जमीन है, जमीन की वजह से सारे युद्ध हुए। और हम ये देखते हैं इतिहास में कि यूरोप से ये पूरा स्टार्ट हुआ और वहीं से सोसाइटी के डिवीजन हो गए। एक इंसान के पास कितनी ज्यादा जमीन होगी वहां से उसको देखा जाने लगा था, इधर से सोसाइटी के डिवीजन हुए। तो अब अगर हम देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बोला, ये देखा कि यहां पे कुछ लोगों के पास इतनी सारी जमीनें हैं, अब ये जमीनें हैं, इनसे ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा है तो पावर है, तो ये सारी की सारी जमीनें जो इन लोगों के पास है, ये हम सब छीन लेंगे और अपने अंडर कर देंगे, और टैक्स बढ़ा दो इन सब पे, ढेर सारा एग्रीकल्चर टैक्स, खराज, सब लगाना शुरू कर दो। अभी हम टैक्स की भी बात करेंगे, कौन कौन से टैक्स इसने लगाए।
तो उसने सारे लैंड छीन लिए, तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस ये था, ठीक है। तो जितने भी पैसे मिलते थे, ग्रांट्स, पेंशन, जो भी चीज अमीरी को बढ़ावा देती थी, वो सब छीन लिए और सीधा ये सेंट्रल के अंडर आ गए, सुल्तान के अंडर आ गए, ठीक है, और ये सब कुछ कन्फिस्केट कर दिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए शराब एक बहुत बड़ा कारण था जो ये तख्ता पलट होते थे, लोग शराब पी के आते थे, सब कुछ भूल जाते थे, उसके बाद फिर उल्टा सीधा बोलते थे, साजिशें करना शुरू कर देते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इसने यूज ऑफ वाइन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, हालांकि उसके बावजूद जो है ये जो शराब है ये एक्सपोर्ट, मतलब ये प्रचलित थी, ये सर्कुलेट की जाती थी। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये ऑर्डिनेंस पास किया तो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई, इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। अब ऐसा ही होता है ना भैया, अगर हम भी देखें अभी बिहार में जब बैन लगा था तो और भी जगह पे, तो शराब एक तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से ही आता है सरकार को, तो यहां से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में आया कि ये सब हो रहा है, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दिया कि वाइन की मैन्युफैक्चरिंग भी मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दो, मैन्युफैक्चर नहीं होगी वाइन बनेगी नहीं, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस था। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया था, उसने खुद भी सब कुछ ये छोड़ दिया था, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है याद रखिएगा, रीजन क्या है, रीजन यही है ताकि रिबेलियन ना हो सके, मेरे खिलाफ कोई उठ के खड़ा ना हो, ये सारी चीजें। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट भैया, इंटर मैरिजेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी। अगर नोबेल्स की, बड़े बड़े लोगों की इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो या तो सुल्तान की परमिशन लो या फिर बिल्कुल नहीं होगी। यही इंटरकास्ट मैरिजेस जो अमीरों का गठजोड़ होता है, इसी की ही वजह से साजिशें पनपती हैं। तो ये चार ऑर्डिनेंस थे जो यहां पे लागू किए थे। अब हम देखते हैं हिंदुओं की तरफ पॉलिसी क्या थी। ये बिल्कुल नहीं चाहता था हिंदू अमीर हो, ये बिल्कुल नहीं चाहता था हिंदू आगे बढ़े। इसने हिंदुओं को दबाना शुरू कर दिया, हिंदुओं का दमन करना शुरू कर दिया। चित्तौड़ जालौर में 30,000 राजपूतों को इसने गाजर मूली की तरह कटवा दिया था दोस्तों, आपको बता दूं। तो यहां पे इसने हिंदुओं पे जो पॉलिसी थी वो मुस्लिमों पे भी थी, लेकिन हिंदुओं पे बहुत ज्यादा थी। हिंदुओं के पास ज्यादा लैंड थे, वो अमीर थे, वो समृद्ध थे, और ये सब उनका खुद का था, उन्होंने मेहनत करके सारी चीजें की थी, लेकिन सब कुछ जो भी प्राइवेट था वो सब उसने छीन लिया। और उसके बाद यहाँ पे सीधा बोला कि अब ऐसा है कि हिंदू हॉर्स नहीं, घोड़े नहीं रखेंगे, हिंदुओं के पास ज्यादा कैटल नहीं होंगे, हिंदू जो है अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हिंदू कोई भी अच्छा सामान नहीं खरीदेंगे, जो भी हिंदुओं को ताकत देती है वो बिल्कुल भी हिंदू नहीं करने वाले, जिसकी वजह से ये जो हिंदुओं की ताकत है बिल्कुल कम हो गई। हिंदू 20 साल में इतनी गरीबी पे चले गए, एक समय पे जब ये बहुत ऊपर हुआ करते थे, सारी दौलत इनके पास थी, वो सबसे निचले स्तर पे चले गए दोस्तों। ढेर सारे टैक्सेस लगा दिए थे हिंदुओं पे, तो बहुत सारे जजिया लगा दिया था, अगर भैया नॉन मुस्लिम्स हैं उनको हमारे यहाँ पे रहना है तो जजिया देना होगा, रिलीजियस पिलग्रमेज करनी है, बाहर तीर्थ करना है तो जजिया देना होगा। खराज लगा दिया था कि लैंड टैक्स तो 50-50% तक एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ा दिया था हिंदुओं पे, मुस्लिमों पे भी थे, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिमों की भी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो ये भी चीज थी, तो ये इनका ये हिंदुओं से डील करने का तरीका था। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टैक्सेस बताना चाहता हूँ, टैक्सेस की बात आई है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ही बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंट्रल में था, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सबसे पहले था सुल्तान, ठीक है, सबसे ऊपर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आता था। उसके बाद एक याद है ना नायबे ममलिकात, ये पोस्ट क्रिएट हुई थी 1240 के अराउंड, याद है कि नहीं, नायबे ममलिकात ये जो पोस्ट थी ये डेप्यूटी था सुल्तान का, ये डेप्यूटी होता था, सुल्तान को एडवाइस करता था। उसके बाद जो डिवीजन था उसमें सबसे पहले जो आता था वो था वजीर, वजीर जो था वो आज का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वही वजीर उस समय प्राइम मिनिस्टर होता था। फिर आता था दोस्तों दीवाने रिसालत, दीवाने रिसाल की बात करें दोस्तों तो ये होते थे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स, ठीक है, बाहरी काम को देखते थे, ठीक है। उसके बाद एक और डिवीजन था तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो सदरल उर सदर, ये मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ थे। वैसे आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने स्टेट पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, रिलीजियस पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अलग कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। ये बिल्कुल भी उलेमास की टीचिंग्स हो गई या इस्लामिक टीचिंग्स हो गई, उसमें जब रूल चलाता था तो उसमें बिल्कुल भी ये इंक्लूड नहीं करता था, ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स को बिल्कुल इसने अलग रखा। तो ये पहला था, अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है।
चौथा, अगर चौथे अगर डिवीजन की बात करूं दोस्तों, ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा। चौथे अगर डिवीजन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे दीवाने इंशा जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिस्टर था, ठीक है, लिख देता हूं दीवान ए इंशा, लिखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों पांचवा दीवाने अरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये था वॉर मिनिस्टर, ठीक है, वॉर मिनिस्टर, आर्मी जो थी वो सीधा सीधा इसके कंट्रोल में थी। आर्मी भी दोस्तों चार तरीके की थी, ठीक, अभी हम आर्मी की भी बात करेंगे, चार तरीके की कौन सी आर्मी थी। और सबसे आखिरी में जो डिवीजन था दोस्तों छठे पे, ये आता था कुजल उल कजत, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, ये काजी होते थे बेसिकली, ये बेसिकली मजिस्ट्रेट होते थे, जो कोर्ट्स जो भी केसेस इनके पास आते थे ना, सुविधा इनके पास आते थे, तो एक तरीके से जस्टिस का डिपार्टमेंट था। तो ये छह डिवीजन थे यहां पे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें टैक्सेस कौन कौन से लगते थे दोस्तों, तो सबसे पहले तो लगता था खरास, खरास की बात करें दोस्तों तो ये वन थर्ड जो प्रोड्यूस है उसका वन थर्ड दिया जाता था सुल्तान को, और ये हिंदुओं से लिया जाता था। उसके बाद लगता था खाम्स, ठीक है, खाम्स एक खाम्स भी एक तरीके का टैक्स होता था, इसमें जैसे वॉर होता था, जैसे युद्ध होता था, युद्ध में सारी वेल्थ जो लूट ली उसका 1/5 जो है वो सुल्तान को दिया जाता था, बाकी 4/5 आर्मी रखती थी। फिर जजिया लगता था, ये अगेन नॉन मुस्लिम्स पे दिया जाता था कि अगर आपको यहां पे रहना है तो जजिया आपको देना पड़ेगा। फिर जकात टैक्स होता था दोस्तों, तो ये एक तरीके से रिलीजियस टैक्स होता था, ये सिर्फ अमीर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, ठीक है, जो अमीर मुस्लिम होते थे उसमें 2.5% आपको इनकम का देना होता था। तो भैया मुस्लिम हिंदू सब बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जो गरीब थे वो परेशान नहीं था, इसने अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाया। उसके बाद दोस्तों ट्रेड टैक्स भी होता था, हॉर्स टैक्स भी होता था, ग्रेजिंग टैक्स होता था, हाउस रेवेन्यू टैक्स होता था, हाउस रेवेन्यू लिया जाता था, तो ये सारे जो थे वो टैक्स होते थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम मिलिट्री की बात करते हैं दोस्तों। वैसे अगर मिलिट्री की बात करें तो यहां पे मिलिट्री जो है वो चार में डिवाइड है। कौन चार चार में डिवाइड है, हम फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले तो होती थी रॉयल आर्मी, ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी स्टैंडिंग आर्मी बना ली थी, स्टैंडिंग आर्मी थी भैया इसकी, इसने प्रोफेशनल आर्मी बना ली थी, तभी तो एक्सपेंशन हुआ ना, आर्मी के बिना एक्सपेंशन हो सकता है? ये थी रॉयल आर्मी, ये सुल्तान की आर्मी थी जो कि बड़े बड़े एक्सपेडिशन पे जाएगी, एक्सपेंशन करेगी, ठीक है। दूसरी होती थी प्रोविंशियल आर्मी, ये गवर्नर के अंदर होते थे, जो प्रोविंशियल आर्मी होती थी। तीसरी होती थी फ्यूडल आर्मी, ठीक है, जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ये जो लैंड ओनर्स होते थे ये अपनी आर्मी बना लेते थे। चौथी होती थी वॉर टाइम आर्मी, और पांचवी होती थी होली वॉर, जिहाद आर्मी। अगर रिलीजियस वॉर हो रहा है, अगर हम देख रहे हैं कोई धर्म जो है इस्लाम से ऊपर जा रहा है, तो उसको हम बिल्कुल निस्तना नाबूद कर देंगे, जिहाद आर्मी। और इनको पैसे नहीं दिया जाते थे होली वॉर को, जो वेल्थ लूटी जाती थी ना उस वही इनमें बांट दी जाती थी। तो ये चीज थी। अब दोस्तों आर्मी की बात कर लिया है तो चलिए मैं लैंड के भी बात बता देता हूं। लैंड ग्रांट्स भी होते थे। लैंड ग्रांट सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एक्सपेंशन का, युद्ध का, नफरत का सबसे बड़ा कारण फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद। लैंड ग्रांट जो होते थे, लैंड को भी, जमीन को भी चार तरीके से बांटा जाता था, चार तरीके के लैंड होते थे। एक होता था यहाँ पे खालसा लैंड, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा आपको एकदम आराम से डिस्क्राइब कर रहा हूं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिल्ली सल्तनत का समझ में आ जाए। खालसा लैंड जो होता था ये डायरेक्टली सुल्तान के अंडर होता था, सेंट्रल का जो लैंड होता था, जो सरकार की भूमि होती थी, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसी पे ही रेवेन्यू ऑफिसर्स को तैनात किया जाता था। दूसरा होता था दोस्तों दूसरा होता था वलीज या फिर मुक्तीज जिनको बोला जाता था। ये क्या होता था भैया, जैसा कि मैंने बताया ना, ये प्रोविंशियल गवर्नर्स का लैंड होता था, जो प्रोविंस यहां पे देखिए दोस्तों लैंड की बात करें तो ये इक्तास थे, छोटे 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 गांव, लैंड इक्तास, ठीक है, इक्तास में डिवाइडेड थे। उसके बाद दोस्तों इन्हीं इक्तास, इन्हीं यही जो लैंड थे, यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते थे, तो यहां पे वलीज और मुक्तीज होते थे जो कि प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, जो कि रूल करते थे। तो इनके पास जितना लैंड होता था, ठीक है, वो एक हो गया। तीसरा होता था दोस्तों हिंदुओं के पास जो लैंड होता था, जो इनके फ्यूडेटरी होते थे, ठीक है ना, जो फ्यूडल चीफ्स होते थे, जो हिंदुओं के पास लैंड होता था। और चौथा होता था, इसको इनाम या फिर वक्फ बोला जाता था।
ये एक तरीके से मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम सेंट को लैंड दिए जाते थे, जमीन दी जाती थी, चैरिटी दी जाती थी कि आपको जो करना है करिए, आपको मस्जिद बनाना है बनाइए, आपको स्कूल बनाना है बनाइए, मदरसे बनाना है, आपको जो करना है, ये एक गिफ्ट है आपको। तो इस तरीके के ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आप देख लीजिए आर्मी कितनी बड़ी थी भैया, बहुत सारे इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, यहाँ पे सब कुछ इसके पास था, ठीक है ना। तो ये चीज थी। वैसे आपको बता दूं कि आर्मी चाहिए क्यों थी, ये भी बता देता हूं फटाक से। पहली बात तो एक्सपेंशन के लिए चाहिए थी, दूसरी बात कोई भी रिबेलियन हो रहा है, हिंदू काफी रिबेल कर देते थे तो उनको रोकने के लिए चाहिए होती थी, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती थी, फिर जो मंगोल इन्वेजन बार बार होता था ना उसकी वजह से, उसके लिए ये आर्मी चाहिए होती थी। तो चार पर्पस थे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिस जो मार्केट रिफॉर्म लेके आया, ठीक है। अब मार्केट रिफॉर्म का क्या मतलब है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनको ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसे यहाँ पे सबको कम दिए जाते थे। मैंने बताया ना कि यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उनको गरीबी एकदम ऐसा बोला गया था कि इनको बिल्कुल फक्कड़ बना दो, ऐसा इसलिए क्योंकि अमीर नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा तो मेरे खिलाफ रिवोल्ट नहीं होगा, सब कुछ ये इसलिए है ताकि रिवोल्ट ना हो। तो यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म्स, अब मार्केट रिफॉर्म से गरीबों को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म्स इस तरीके के थे कि जितनी भी कमोडिटीज थी उनके प्राइजेस फिक्स कर दिए गए थे। अगर मान लो कोई भी एक कमोडिटी है, मान लो गेहूं है, उसका दाम अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, डिमांड बढ़े सप्लाई बढ़े, डिमांड घटे सप्लाई घटे, हमको फर्क नहीं पड़ता, जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा। अब इससे क्या होगा, देखिए यहां पे वैसे जो आम तौर पे प्राइस होते थे वो कम रखे जाते थे, सोल्जर्स को पैसा कम मिलता है, जब सोल्जर्स को पैसा कम मिलता है तो यहां पे वो क्या करेंगे, जो आम जो उन जो रोजमर्रा की चीजें होंगी वो जब खरीदेंगे, वो अगर उनको कम पैसे में मिलेगी तो क्या होगा, आसानी से उनका जीवन चलेगा। इस तरीके से उसने अपनी पूरी आर्मी को मेंटेन कर लिया, वो भले ही पैसे कम दे रहा था लेकिन जो चीजों को सस्ती करके, उनके मार्केट फिक्स करके, जो उसने एहतियात दे दी, जो उसने अपर हैंड दे दिया यहाँ पे सोल्जर्स को, उससे सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो गरीब लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो यहाँ पे जो प्राइजेस थे मार्केट में जितनी भी कमोडिटीज थी उसके फिक्स कर दिए गए। भैया शाहाना मंडी ये ऑफिसर था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब कुछ ये वन वर्ड है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ये ऑफिसर था दोस्तों शाहाना मंडी, और यहाँ पे दोस्तों ये ऑफिसर जो था ये मार्केट का ऑफिस, जो मतलब जो पूरे मार्केट को देखता था उसका ऑफिसर था, जो कंट्रोल करता था, ये लाइसेंस देता था, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर ब्लैक मार्केटिंग हो गई, कहीं पे भी ऐसा लगा कि भैया ये लोग घपला कर रहे हैं, चुंबक चिपका लिया या कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया, ठीक है, इतनी खतरनाक पनिशमेंट देता था अलाउद्दीन खिलजी, कोड़े मारे जाते थे, जान से मार दिया, कई कई बार तो ऐसा होता था कि जान ही से मार दिया जाता था, बहुत सीवियर पनिशमेंट होता था, हाथ काट दिए जाते थे। बता दूं कि जितना ज्यादा घपला होता था, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं किसी को लेना है, किसी गरीब को लेना है, और उसमें किसी तरीके से घपला करके 500 ग्राम कम दिया, तो उतना ही फ्लैश, उतना ही मांस जो है जो घपला कर रहा है उसकी बॉडी से काट लिया जाता था। तो इतने सीवियर पनिशमेंट थे भैया मार्केट के, ठीक है। तो मार्केट रिफॉर्म जो है वो लेके आए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि डिसिप्लिन बना रहे और सब कुछ अच्छे से हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों इन सबको लाइसेंस चाहिए होते थे, जो मैं बता चुका हूं वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो देखिए जो शाहाना मंडी होता था इसके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, बहुत सारे क्लर्क्स होते थे, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है ना, वही तो जरिया है कमाने का, वही तो जरिया है सरकार चलाने का, तो मार्केट को देखने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते थे, सबसे बड़ा होता था शाहाना मंडी, और उसके बाद ये सारे ऑफिसर्स आते थे जो लिखे हुए हैं, बहुत सारे क्लर्क्स भी होते थे जो इनको असिस्ट करते थे। उसके बाद दोस्तों अगर रेवेन्यू पॉलिसी की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे लैंड टैक्स दिया जाता था, बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो एकदम से बढ़ा दिए गए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, हॉर्स टैक्स, ये सारे टैक्सेस लिए जाते थे, लगभग लगभग हर चीज पे टैक्स लिया जाता था, हिंदुओं से तो हर चीज पे टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये रेवेन्यू पॉलिसी थी, इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर बड़ा अमीर था, काफी पैसा था इसके पास, कहां से पैसा आया, एक तो जहां जहां इसने एक्सपेंशन किया वहां से पैसा आया, अब एक्सपेंशन किया, आर्मी है इसके पास, अब आर्मी है तो आर्मी को पैसा चाहिए, पैसा कहां से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है, मार्केट से कहां से, एक तो इन लोगों से जो ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा कहां से आ रहा है, इतना टैक्स जो बढ़ा के रखा हुआ है, हिंदुओं ने, हिंदू कहां से गरीब हुए भैया,
हिंदुओं की सारी दौलत तो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली, तो जो दौलत उसने छीनी वही दौलत उसने एक्सपेंशन में लगाई और वहीं से उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। आप देख सकते हैं ना कितना ज्यादा चालाक था ये। फिर वही दो बात आ जाती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, क्या उसको डेस्पॉट होना चाहिए, किसी भी तरीके से अपने किंगडम को बना के रखे, या फिर उसको थोड़ा सा सही होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रजा के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। वही मकियावली वर्सेस चाणक्य, वही चाणक्य का रास्ता सबसे बेस्ट होता है। तभी तो अगर भारत में आप देखें जितने भी एम्पायर्स आए हैं, भले ही यूनिटी नहीं हो लेकिन वो 500 साल, हजार हजार साल तक चले। भैया चोला एम्पायर 1000 साल तक चला था। तो ये सारी चीजें हैं। आर्किटेक्चर की बात करें दोस्तों, तो आपको बता दूं बड़ा ही दीवाना था ये आर्किटेक्चर का, इसने काफी कुछ बनाया है। अलाई दरवाजा हो गया, हौस शामसी हो गया, हौस खास भैया दिल्ली का बहुत ही ज्यादा समृद्ध इलाका है इस समय, तो हौस खास लोगों को बड़ा ही एक बहुत ही एक टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा ही बेहतरीन इलाका है वो दिल्ली का। तो हौस शामसी, अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, ये सब कुछ इसने बनवाया था। ठीक है, मैं फोटो नहीं डाल पाया हूँ दोस्तों, आप देख लीजिएगा, अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि ये पहला था जिसने रिलीजन को स्टेट पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया था। वैसे बता दूं कि एक नया रिलीजन स्टार्ट करना चाहता था उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान और अल्प खान। ठीक, तो ये चार थे, चार जनरल थे। तो ये बोलता था कि जिस तरीके से प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने जिस तरीके से चार कैलिफेट्स बनाई थी ना, फाउंडेशन तो प्रॉफिट नहीं रखी थी ना मोहम्मद ने, तो जिस तरीके से उन्होंने चार कैलिफेट, राशिदून कैलिफेट जो सबसे पहली, जिनको फोर गाइडेड वंस भी बोला जाता है, चलो भैया कौन कौन थे इस राशिदून कैलिफेट में कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद उमायद, अबासिद, फिर ऑटोमन, तो उसी तरीके से मैं भी जो है वो एक नया रिलीजन स्टार्ट करूंगा। तो यहां पे सबने बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिए, नए रिलीजन जो होगा उसमें बड़ा ही खून खराब आगो, तो ऐसे मत करिए। ठीक है, तो ये चीज थी। और आपको बता दो कि बाद में अलाप खान के पीछे पड़ गया था कि ऐसा है कि इसको तो बिल्कुल तरीके से हटाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू के प्रति काफी ज्यादा इनटॉलरेंट था। जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए थे, कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट थे। उसने भी हिंदू टेम्पल्स को तोड़वाया, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़वाया, तो ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर पर्सनल लाइफ की, तो इसकी इसने कई बार शादी की थी। सबसे पहली तो जलालुद्दीन की डॉटर से की थी, मलिके जहां। उसके बाद अल्प खान की सिस्टर से की थी। उसके बाद दोस्तों झट्यापली, ये जो झट्यापली बेसिकली है, ये कौन थी, जो देवगिरी के राजा थे ना रामचंद्र, उनकी बेटी थी। जब इसने वहां पे अटैक किया था, इन्वेड किया था, तो इससे शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद कमला देवी, ये वही वाघेला किंग की बीवी थी, ठीक है, कर्ण देव की, उनकी बीवी थी, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी में भी काफी इमोशनल बॉन्ड था, ऐसा बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर एक दूसरे से प्यार करते थे, सेक्सुअल रिलेशन थे कि नहीं ये हमको नहीं पता है। बर्नी हो गए, फरिश्ता हो गए, इन सब ने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अलाउद्दीन खिलजी पे पूरा लेक्चर मैंने दे दिया है, 1 घंटे का सेशन है, पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड है, उसकी जिंदगी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया है। मेडिवल हिस्ट्री के ये लेक्चर जो है आप इसको देख लीजिए दोस्तों, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। अब मुबारक खिलजी की बात करेंगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था, बड़ा ही खतरनाक रूलर, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगले पार्ट में खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।